हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का टेट ट्यूटोरियल में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हम लोग सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं और मैं आपको मदद कर रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागॉजी को तैयार करने में। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में समझा दिया था कि आपका सीटेट के क्वेश्चन पेपर का क्या ब्लू प्रिंट्स होगा, आज मैं उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागॉजी का एक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसका अर्थ होता है अधिगम और अर्जन। तो आते हैं, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि अधिगम और अर्जन। जैसा कि आप जानते हैं, सीखना हमारे जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जो कि बचपन से शुरू होता है और मौत के दिन जाकर के समाप्त होता है। इस सीखने के क्रम में हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर बैठते हैं, जिसमें ये एक्टिविटीज हमारे फिजिकल्स भी होते हैं और मेंटल्स भी होते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत सारे फिजिकल्स हैं और मेंटल एक्टिविटीज है। इस तरह से हमारा सीखने का क्रम चलते रहता है। अब रही बात कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग का, यानी कि इसका सिद्धांत क्या है, किस ग्राउंड पर यह काम करता है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग न्यू स्किल और नॉलेज एंड इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल्स, यानी कि हमारे पास पहले से कुछ न कुछ स्किल्स होते हैं, परंतु जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उस स्किल को यानी कि उस कला पर और हमारा डेवलपमेंट होता है और उस एग्जिस्टिंग के ऊपर हम इम्प्रूवमेंट कर बैठते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि इस सीखने के क्रम में हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के अंतर्गत बदलाव होता है, परंतु इस सीखने के क्रम में हर कोई एक समान नहीं होता है। Everyone is different in acquiring skills. कुछ लोग जल्दी सीखते हैं तो कुछ देरी से सीखते हैं। और तीसरा पार्ट जो होता है, there are certain factors which affect the learning. हमारे सीखने के पीछे कुछ न कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमको सीखने में मदद करते हैं या रुकावट पैदा करते हैं। तो इस तरह से हम इस सीखने के सिद्धांत को देखा कि सीखना एक लंबी प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत एक इंडिविजुअल को बदलाव महसूस होता है। अब आते हैं इसके डेफिनेशन, यानी कि हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ एजुकेशनिस्ट हैं जो इसे बताते हैं व्हाट लर्निंग इज। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ई मेयर, लर्निंग इज द रिलेटिवली permanent change in a person's knowledge or behavior due to experience. जैसा कि आप जानते हैं, रिचर्ड ई मेयर कहते हैं कि सीखना एक परमानेंट चेंज लाता है हर एक व्यक्ति के जीवन में, और वो चेंज हमारे नॉलेज या बिहेवियर में दिखाई पड़ता है, और ये चेंज हमारे अनुभव से यानी एक्सपीरियंस के अनुसार होता है। So Richard E. Mayer says, learning is relatively permanent change in person's knowledge or behavior due to experience. So इस definition के माध्यम से हम तीन चीज पर ज्यादा focus कर रहे हैं। पहला तो the duration of the change is long term rather than short term. It is permanent change, यानी कि long है, ये हमेशा के लिए persons में बदलाव ला देता है। दूसरा, the point of change is content and structure of knowledge in memory or the behavior of the learner. तो जब ये बदलाव आता है तो हमारे वार्तालाप में, हमारा व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव आएगा या हमारे मानसिक बदलाव दिखाई पड़ता है। और तीसरा है, इन सभी चेंज के पीछे एक एक्सपीरियंस का हाथ होता है। द कॉज ऑफ द चेंज इज लर्नर्स एक्सपीरियंस इन द एनवायरमेंट रादर देन फैटिग, मोटिवेशन और फिजिकल कंडीशन।
तो जैसा कि एनवायरमेंट मिलता है उसके अनुसार हमें अनुभव प्राप्त होता है, जैसा अनुभव प्राप्त होता है वैसे हमारे अंतर्गत चेंज आता है, और जैसे चेंज आता है वो हमारा लिविंग स्टाइल हो जाता है। इस तरह से लर्निंग हमारे जीवन में कंटिन्यूअसली चलते रहता है। दूसरा डेफिनेशन हम देख रहे हैं सुजन एम्ब्रोस के द्वारा। इनके अनुसार लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर लर्निंग। इनके अनुसार भी लर्निंग का मतलब वही है जो कि रिचर्ड ई मेयर के द्वारा बतलाया गया है। रिचर्ड ई मेयर ने भी चेंज पर फोकस किया है, ये लोगों में बदलाव लाता है और इस बदलाव के पीछे उसका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है एंड दैट कैन बी सीन इन द लॉन्ग टर्म। ये आजीवन हमारे अंतर्गत बना रहता है। सो वी कैन से दैट लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। तो ये है लर्निंग का डेफिनेशन। अब लर्निंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग। मोटर लर्निंग, इट इन्वॉल्व्स मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो भी हमारा शारीरिक कार्यकलाप होते हैं उसको मोटर लर्निंग के अंतर्गत डाला जाता है, जैसे कि चलना, दौड़ना, गाड़ी चलाना, क्लाइंबिंग करना, दिस आर फिजिकल एक्टिविटीज एंड दिस इज ऑल्सो लर्निंग। एक बच्चा शुरू में चलने के लिए सीखता है, फिर दौड़ने के लिए सीखता है, और जब बड़ा हो जाता है तो क्लाइंबिंग करता है, ड्राइविंग करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंतर्गत चेंज होने लगता है। देयर आर वर्बल लर्निंग्स, इट इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक, द कम्युनिकेशन मेथड वी अडॉप्ट। तो बहुत तरह से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कुछ लोग भाषा से कम्युनिकेट करते हैं, तो कुछ लोग साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, कुछ पिक्चर का प्रयोग करते हैं। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग टू वन अनदर। एंड द थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग इज कंसेप्चुअल लर्निंग, इट रिक्वायर्स हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस। तो एक बच्चा जब कहानी सुनता है शुरू शुरू में वो कोई क्वेश्चन नहीं करता है, परंतु जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो सारे WH वर्ड का प्रयोग करना शुरू कर देता है, क्यों, कब, कैसे। हालांकि ये हम लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चे सीखते हैं तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। तो ये है सीखना। नाउ द थर्ड थिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो किस तरह से हमारा अधिगम प्रभावित होता है, कौन कौन से कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं हमें सीखने में। इस चैप्टर में हम लोग 3 प्रकार के फैक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे अधिगम में या तो रुकावट पैदा करता है या हमें सपोर्ट करता है। वे 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर, यानी कि जो सीखने वाला व्यक्ति है, अब उसके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे सीखता है। लर्नर्स मोटिवेशन डिसाइड द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग। इफ द लर्नर इज मोटिवेटेड टू लर्न, ही और शी लर्न्स इट मोर इफेक्टिवली एंड परमानेंटली। तो जैसे हम मोटिवेट करते हैं तो इसलिए बच्चों को जितना तक हो सके मोटिवेट किया जाए, ना कि उसे क्रिटिसाइज किया जाए। अ लर्नर्स मेंटल कैलिबर और एबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट है कि बच्चा के अंदर एबिलिटी कितना है, उसके अंतर्गत कैलिबर कितना है। जितनी एबिलिटी होगी उतना ही सीख सकता है, सारे बच्चे एक समान नहीं सीखते, उसकी मेंटल एबिलिटी भी उसका एक कारण हो जाता है। तीसरा, इफ अ लर्नर इज इंटरेस्टेड इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट। कुछ बच्चे पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो कुछ बच्चे ड्राइंग्स करते हैं, कुछ बच्चे डांसिंग, तो कुछ बच्चे सिंगिंग में चले जाते हैं। अब डिपेंड करता है उस बच्चे को किस विषय वस्तु में ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा वो ज्यादा सीखेगा। तो इस तरह से हमने पहले फैक्टर को देखा कि लर्नर के अंतर्गत
वो कौन कौन से बिंदु हैं जो उसे सीखने में मदद करता है या उसे अवरोध उत्पन्न करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टीचर का रोल, यानी कि टीचर हाउ कॉम्पिटेंट ही इज इन हिज सब्जेक्ट। एक टीचर को, एक शिक्षक को अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना चाहिए, तभी वो जाकर के क्लास को संभाल सकता है। और दूसरा जो कारण है, इफ अ टीचर हैज गुड प्रोनंसिएशन एंड कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली, लर्निंग बिकम्स मोर लास्टिंग एंड इफेक्टिव। जिस शिक्षक के पास भाषा के ऊपर कंट्रोल है, वो अपने क्लास को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है, बच्चों के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा सकता है। और तीसरा जो है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल्स लाइक टेक्स्ट बुक और रिसोर्स बुक कैन ऑल्सो इम्पेयर लर्निंग प्रोसेस। जब हम लोग क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या सभी बच्चों ने टेक्स्ट बुक लाया है या नहीं लाया है, क्योंकि जिस बच्चे के पास कॉपी किताब नहीं होगा उस सब्जेक्ट का, उसका ध्यान क्लास में लगने वाला नहीं है, और जिसके पास होगा वो बहुत अच्छी तरह से आपके क्लास को अटेंड करेगा, उसे मजा आएगा सीखने में। और उसी फैक्टर में जो तीसरा पॉइंट है, फैक्टर्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल सराउंडिंग्स सच एज क्लाइमेट एंड एटमोस्फियरिक कंडीशन अफेक्ट लर्निंग। अगर वहां पर हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कम है, तो सीखने में बहुत हमें कठिनाई होगी। ज्यादा ठंड हो जाता है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, ज्यादा गर्मी हो जाता है तो पढ़ नहीं पाते, ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है तो पढ़ नहीं पाते। एक संतुलित वातावरण होना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर को ध्यान में रखना है, वो है साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम। तो क्लासरूम कैसा है, इफ क्लासरूम्स आर वेरी क्राउडेड और विदाउट प्रॉपर स्ट्रक्चर, लर्नर्स विल गेट डिस्टर्ब्ड एंड दिस विल अफेक्ट लर्निंग। अगर क्लासरूम छोटा सा है, बच्चे भरे हुए हैं, गर्मी से परेशान है, वे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, उसमें हवा नहीं आ रहा है, लाइट की कमी है, इन सभी कारणों से बच्चों को पढ़ने में, सीखने में रुकावट पैदा होगा। ये सारी सुविधाओं का ध्यान न रखा जाए तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आज के हमने क्लास में सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग के बारे में सीखा, व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या होता है। उसके अंतर्गत हमने रिचर्ड ई मेयर और सुजन एम्ब्रोस के द्वारा दिए गए डेफिनेशन को समझा, जिनके माध्यम से हमने देखा कि लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। तो इसमें तीनों बिंदु आ जाते हैं, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। इसके बाद हमने देखा द टाइप्स ऑफ लर्निंग, दे आर मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग। और तीसरा वो कारक जो हमें सीखने में मदद करता है, वो है फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू इट फास्ट सो दैट यू कैन गेट माय वीडियोस एज सून एज आई पोस्ट इट। थैंक यू वेरी मच।